India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और साथ ही लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में होगा सिद्दीक कप्पन का इलाज, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया आदेश। यूपी सरकार ने किया विरोध, कहा कप्पन को ना मिले खास तवज्जो। कोविड के हालात पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कहा संसाधनों को जुटाने की है कोशिश। सरकार झूठ और दुष्प्रचार से भी निपट रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने पेश किया नया प्लान, मिली कोर्ट से मंजूरी। सरकार ने कहा ऑक्सीजन का अलॉटमेंट पूर्व अनुमान के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक न्याय प्रणाली को दिव्यांग अनुकूल बनाने के लिए जारी किया दिशा निर्देश, कहा किसी दिव्यांग गवाह की गवाही को कमजोर या हीन नहीं माना जाए। जजों और पुलिस वालों की ट्रेनिंग पर दिया जोर। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। उत्तर प्रदेश के चर्चित हाथरस मर्डर और कथित गैंगरेप मामले को कवर करने के दौरान गिरफ्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सभी दलीलों को सुनने के बाद आदेश दिया है कि सिद्दीकी कप्पन को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली शिफ्ट किया जाए। पत्रकार कप्पन को उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल में रखा गया है और न्यायाधीश ने कहा कि सिद्दीकी कप्पन के इलाज के लिए उन्हें दिल्ली लाया जाएगा। जब वो ठीक हो जाएंगे तो फिर से उन्हें मथुरा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। सिद्दीक को जमानत के लिए समुचित कोर्ट के सामने अपील करनी होगी। पत्रकार को हाथरस जाते वक्त रास्ते में गिरफ्तार किया गया था, जहां पिछले साल 14 सितंबर को एक दलित युवती की कथित सामूहिक बलात्कार के बाद मौत हो गई थी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की तीन सदस्यीय पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो इस सलाह पर राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करे। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए आरोपी को जमानत नहीं देने की मांग की। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के निर्देश का यह कहते हुए विरोध किया कि इसी तरह के कई आरोपियों का राज्य के अस्पतालों में इलाज हो रहा है और कप्पन को खास तवज्जो महज इसलिए नहीं मिलनी चाहिए कि वो खास पत्रकारिता समूह से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी पहले ही दी जा चुकी है कि सिद्दीकी कप्पन के कोरोना वायरस रिपोर्ट निगेटिव आई, उसे मथुरा के अस्पताल से भी छुट्टी दे दी गई है। उनके पास से पुलिस के तेजस अखबार का आईडी कार्ड मिला है। सिद्दीकी कप्पन का दावा है कि वो उसी अखबार के पत्रकार हैं, लेकिन वो न्यूज़पेपर 3 साल पहले ही बंद हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के हालात पर सुनवाई के बाद अब गृह मंत्रालय ने हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में कहा गया है कि सरकार कोविड से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही है और सीमित संसाधनों के बावजूद मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। संसाधनों को जुटाने की भी कोशिशें हो रही हैं और साथ में सरकार के खिलाफ झूठ और दुष्प्रचार से निपटने के लिए भी काम किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि ये झूठ है कि कोरोना महामारी की पहली लहर के बाद कोई कदम नहीं उठाया गया और सरकार दूसरी लहर से अनभिज्ञ बनी रही। अस्पतालों तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाने और रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। देश में अचानक ऑक्सीजन की कमी पर भी सरकार ने पक्ष रखा है। सरकार ने कहा कि किसी भी देश में मेडिकल ऑक्सीजन असीमित नहीं हो सकती है। देश में उपलब्ध ऑक्सीजन सभी राज्यों को, खासकर कोविड-19 के ज्यादा मामलों से जूझ रहे राज्यों को संतुलित तरीके से मुहैया कराई जा रही है।
मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के कारण उपलब्ध संसाधन के हिसाब से कुछ मुश्किल हुई, जिससे पेशेवर तरीके से निपटना होगा। सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर 200 पन्नों के हलफनामे में कहा गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय युद्ध स्तर पर 162 PSA संयंत्र लगाने की प्रक्रिया में है। सरकार ने ऑक्सीजन संसाधन को जुटाने के लिए तमाम प्रयास शुरू कर दिए हैं और उपलब्ध सभी स्रोतों से और ऑक्सीजन हासिल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हलफनामे में कुछ राज्यों से ऑक्सीजन की मांग और उत्पादन की स्थिति का भी उल्लेख किया गया है। महामारी के दौरान नागरिकों की परेशानियों और कष्टों को हल्के में लेने के आरोपों को भी केंद्र ने नकार दिया। सरकार ने कहा कि दिक्कतें दूर करने और जान के नुकसान को कम करने के लिए त्वरित ठोस और समग्र कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने कहा कि वो संक्रमण के अप्रत्याशित मामलों के बावजूद युद्ध स्तर पर इससे निपटने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, साथ ही कुछ न करने के झूठ से भी निपट रही है। हलफनामे में कहा गया है कि दिए गए तथ्यों से ये अदालत संतुष्ट होगी कि शुरुआत से मौजूदा गंभीर समय तक केंद्र सरकार ने महामारी के मामले में हर जरूरी चीजों से लैस करने के लिए बेहद पेशेवर तरीके से कई कदम उठाए हैं। संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान नागरिकों की परेशानियां और कष्ट को हल्के में नहीं लिया जा सकता और न ही हल्के में लिया गया है। केंद्र ने कहा कि रेमडेसिविर की मांग बढ़ने पर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 7 मैन्युफैक्चरर्स की 22 मैन्युफैक्चरिंग साइट को अनुमति के साथ 22 अप्रैल को तत्काल 31 अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग साइट को मंजूरी दी। सरकार ने कहा कि उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ों या फिर जाति विशेष के खिलाफ अपराध पर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम की धारा 3(2) और वी के तहत अभियोग 2015 के संशोधन से पहले की स्थिति में तब कानून जायज है जब तक जाति अपराध की घटना के लिए आधार में से एक है। पाटन जमाल बनाम आंध्र प्रदेश सरकार केस STSC एक्ट से जुड़ा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के उन निर्णयों पर संदेह जताया है जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 की धारा 3 के क्लॉज 2 के सबसेक्शन 5 की व्याख्या की गई थी। इसका मतलब ये है कि अपराध केवल इस आधार पर किया जाना चाहिए कि पीड़ित अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की पीठ ने कहा कि ये प्रावधान तब तक आकर्षित होगा जब तक जातिगत पहचान अपराध की घटना के लिए आधार में से एक है। इस आधार पर धारा 3 के क्लॉज 2 के सबसेक्शन 5 के संरक्षण से इनकार करने के लिए कि अपराध एक SC और ST व्यक्ति के खिलाफ केवल उनकी जातिगत पहचान के आधार पर नहीं किया गया था, अपराध के लिए जाति आधार होना चाहिए। पीठ ने हालांकि इस मुद्दे को बड़ी पीठ के पास नहीं भेजा क्योंकि उसने पाया कि वर्तमान मामले में सबूत ये स्थापित नहीं करते हैं कि वर्तमान मामले में अपराध इस आधार पर प्रतिबद्ध था कि ऐसा व्यक्ति SC या ST का सदस्य है। पीठ एक पाटन जमाल वली द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें एकमात्र आरोपी ने जिसने पीड़ित लड़की जिसकी उम्र 20 वर्ष थी और वो जन्म से अंधी थी उसके घर में उसके साथ बलात्कार किया था, जिसके खिलाफ IPC की धारा 376(1) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण की धारा 3 के क्लॉज 2 के सबसेक्शन 5 के तहत दंडनीय अपराधों के तहत ट्रायल चलाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी की धारा 376(1) IPC और अधिनियम की धारा 3 के क्लॉज 2 के सबसेक्शन 5 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे धारा 376(1) IPC के तहत आजीवन कारावास और ₹1,000 के जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। अगस्त 2019 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सजा और दोष सिद्धि की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज कर दिया था। पहले आधार का तात्पर्य ये नहीं है कि अनिवार्य रूप से उस आधार पर ही केवल अपराध किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि धारा 3 के क्लॉज 2 के सबसेक्शन 5 के तहत जुर्माने के साथ आजीवन कारावास तक बढ़ी हुई सजा प्रदान की जाती है जहां अपराध उस व्यक्ति द्वारा किया गया है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और अपराध इस आधार पर प्रतिबद्ध है कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। अदालत ने दिनेश उर्फ बुद्ध बनाम राजस्थान राज्य रामदास और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के निर्णयों को नोट किया, जिनमें ये पाया गया कि केवल इसलिए ही एक महिला SC या ST समुदाय से संबंधित है
एससी और एसटी अधिनियम के प्रावधान और उत्पीड़न के मामले में आकर्षित नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक न्याय प्रणाली को दिव्यांग अनुकूल बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि किसी दिव्यांग गवाह की गवाही को कमजोर या हीन नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने जजों और पुलिस वालों की ट्रेनिंग पर भी जोर दिया है और साथ ही दिव्यांगों की जागरूकता बढ़ाने का निर्देश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक दिव्यांग अनुकूल बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने कहा कि किसी दिव्यांग अभियोजन पक्ष की गवाही या उस मामले के लिए एक दिव्यांग गवाह को कमजोर या हीन नहीं माना जा सकता है, केवल इसलिए कि ऐसा व्यक्ति एक अलग तरीके से सक्षम है। मामले पर पीठ ने निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमियों से अनुरोध है कि वो यौन शोषण पीड़ितों के लिए मामलों से निपटने के लिए ट्रायल जज और अपीलीय न्यायाधीशों को संवेदनशील बनाएं। सभी पुलिस स्टेशनों को ऐसे शिक्षकों, दुभाषियों और कानूनी सहायता प्रदाताओं का डेटाबेस बनाए रखना चाहिए ताकि आसान पहुंच और समन्वय की सुविधा मिले। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को लिंग आधारित हिंसा पर डेटा को बनाए रखने की संभावना पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पुलिस अधिकारियों को नियमित रूप से दिव्यांग महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों से उचित तरीके से निपटने के लिए संवेदनशीलता प्रदान की जानी चाहिए। दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में सूचित करने, जब वो यौन शोषण के किसी भी रूप से शामिल होती हैं, के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सुलभ स्वरूपों में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। पीठ ने, जिसमें एकमात्र आरोपी ने जिसने पीड़ित लड़की जिसकी उम्र 20 वर्ष थी और जो जन्म से देख नहीं सकती थी उसके साथ बलात्कार किया था, जिसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 एक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराधों के तहत ट्रायल चलाया गया था। हाईकोर्ट ने ट्रायल द्वारा दी गई सजा की पुष्टि की थी। मांगे बनाम हरियाणा राज्य में एक फैसले का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि ऐसे उदाहरण हैं जहां एक दिव्यांग अभियोजन पक्ष की गवाही को गंभीरता से नहीं माना गया है और समान स्तर पर व्यवहार नहीं किया गया है, क्योंकि ये उसकी शारीरिक क्षमता के अनुसार नहीं है। अदालत ने अंततः आरोपी को एससी और एसटी अधिनियम की धारा 3 के तहत दोषी ठहराया और धारा 376 आईपीसी के तहत दोष सिद्ध और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए सीनियर एडवोकेट शिवम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम जी, ये जो एक निर्देश दिए गए हैं और खासतौर पर जिस तरह से अपनी बात कही है कोर्ट ने और दिव्यांगों को लेकर, उनकी गवाही को लेकर और खासतौर पर जिस तरह से पुलिस की ट्रेनिंग पर भी जोर देने की बात कही गई, किस संदर्भ में देखते हैं आप इसे? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, पीठ ने कहा है कि किसी दिव्यांग अभियोजन पक्ष की गवाही या उस मामले के लिए दिव्यांग गवाह कमजोर या हीन नहीं माना जा सकता है, केवल इसलिए कि ऐसा व्यक्ति दुनिया के साथ एक अलग तरीके से बातचीत करता है, सक्षम शरीर वाले संपत्ति के विपरीत है। देखिए, पीठ ने निम्न दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमियों से अनुरोध है कि वे यौन शोषण पीड़ितों के मामले से निपटने के ट्रायल जज और अपीलीय न्यायाधीशों की संवेदनशील बनाए। साथ में कोर्ट ने कहा कि प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों और दुभाषियों को आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में समेत उचित प्रवास की प्रभावी प्राप्ति सूचित करने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को लिंग आधारित हिंसा पर असहमति वाले डेटा को बनाए रखने की संभावना पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारियों को नियमित रूप से दिव्यांग महिलाओं के यौन हिंसा के मामले से उचित तरीके से निपटने की संवेदनशीलता प्रदान की जाएगी। साथ में कोर्ट ने कहा कि दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में सूचित करने, जब वे यौन शोषण के किसी भी रूप में शामिल होती हैं, के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सुलभ स्वरूपों में जागरूकता अभियान चलाना। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम शर्मा इस सारी जानकारी के लिए। राजधानी दिल्ली में जारी कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच में ऑक्सीजन और बेड्स का संकट जारी है और इसी मसले पर बुधवार को एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट के सामने ऑक्सीजन अलॉटमेंट का नया प्लान रखा, जिस पर हाईकोर्ट ने इसे लागू करने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार ने अदालत में एक हलफनामा दायर किया और जिसमें उन्होंने किस अस्पताल को कितनी ऑक्सीजन दी है इसकी जानकारी दी।
दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार के फॉर्मूले के मुताबिक सभी सप्लायर्स को ऑर्डर दे दिया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि हर अस्पताल सप्लायर को हर दिन अपने यहां स्टॉक का अपडेट देना होगा, साथ ही उस दिन उन्हें कितना ऑक्सीजन मिला ये भी बताना होगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि एसओएस कॉल के लिए उनके पास 20 MT ऑक्सीजन रहेगा और अब जिन अस्पतालों के पास सिलेंडर की सुविधा है उन सभी को एक एक सप्लायर दिया गया है। हर रिफिलर के लिए अस्पताल में अपने सप्लायर से मदद ले सकता है, अगर वहां कुछ नहीं है तो उससे जुड़ा एक रिफिलर रहेगा जिससे मदद ली जा सकती है। हाईकोर्ट ने अदालत में सुनवाई के दौरान बत्रा अस्पताल से कहा है कि दिल्ली में हालात बेकाबू हैं और ऐसे में आपको हालात संभालने होंगे। बड़ा अस्पताल होने के नाते आपको ऑक्सीजन का प्लांट लगाना चाहिए था, लेकिन किसी ने भी कोई काम नहीं किया। अस्पताल ने अदालत में अपील की है कि उन्हें कोविड से नॉन कोविड अस्पताल बनने की परमिशन दी जाए। दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि 14 ऑक्सीजन रिफिलर्स को अब सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। हालांकि सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट पर अदालत ने कहा कि जो आंकड़े इसमें दिखाए गए हैं वो कोई समझ में आने वाले नहीं है। दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि जिन 12 अफसरों को ऑक्सीजन संकट की जिम्मेदारी दी गई थी उनमें से 8 को कोरोना हो गया है। उड़ीसा हाई कोर्ट ने राज्य के जेलों में बंद सभी कैदियों को कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर एस मुरलीधर और साथ ही न्यायमूर्ति बीबी राउतरे की डिवीजन बेंच ओडिशा के जेलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर दायर 2 याचिका की सुनवाई कर रही थी। इनमें से एक रिट याचिका 15 साल पुरानी थी और दूसरी जनहित याचिका 7 साल पहले हाईकोर्ट में दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान मामले के न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम मिश्रा ने कोर्ट को अवगत कराया कि जेल के अनेक कैदियों के पास कोविन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए जरूरी पहचान दस्तावेज नहीं हो सकते। डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी कैदी महज इस कारण टीका से वंचित नहीं रह जाए क्योंकि वो कोविन पोर्टल पर पंजीकृत करने में अक्षम है। कोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसे कैदी टीकाकरण से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम की जेलों में कैदियों को कथित तौर पर टीका से वंचित रखने के लिए स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। ओडिशा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अन्य बातों के साथ साथ ओडिशा सरकार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय में काम करने और साथ ही सजा से छूट के पात्र कैदियों को समयबद्ध तरीके से सजा माफ करने को कहा है और इस सिलसिले में एक रिपोर्ट सुनाई गई कि अगली तारीख 12 मई को कोर्ट में पेश की जानी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि शहर में रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा संचालित अस्पतालों में नागरिकों के लाभ के लिए कुछ बेड उपलब्ध करवाए जाएं। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने याचिकाओं के एक बेंच पर सुनवाई करते हुए कहा कि सेना व वायु सेना शहर में मौजूद है, बीबीएमपी द्वारा बिस्तरों के लिए लिए गए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। केंद्र सरकार के वकील तुरंत इस अनुरोध को अधिकारियों के पास भेजें और बेड उपलब्ध करवाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि कुछ बेड कमांड हॉस्पिटल से उपलब्ध करवाए जाए और पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो कमांडिंग अधिकारी के साथ एक बैठक करे और मामले में सहायता के लिए अनुरोध किया जाए। बेंगलुरु शहर में उपलब्ध बिस्तरों की स्थिति पर विचार करने के बाद पीठ ने कहा कि बेंगलुरु शहर में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए बिस्तरों की उपलब्धता के संदर्भ में स्थिति खतरनाक है। पीठ ने कहा कि आदेश का पालन किया जाए और पब्लिक डोमेन में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की उपलब्धता के संबंध में डेटा उपलब्ध कराया जाए। कम से कम बेंगलुरु शहर के मामले में सबसे पहले ऐसा किया जाए और फिर राज्य के अन्य शहरों में ऐसा ही होना चाहिए। उनके द्वारा यह भी दावा किया गया था कि केवल 50% ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें इसे निजी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त करना पड़ रहा है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आज हम केवल 3 मुद्दों पर विचार कर रहे हैं, बेड की उपलब्धता, रेमडेसिविर की उपलब्धता और ऑक्सीजन की उपलब्धता। पीठ ने कहा कि इन मुद्दों का भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार के साथ सीधा संबंध है। एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। गोखले ने कोर्ट से यूपी सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से रोकने की मांग की है जो सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन की आपूर्ति और अन्य चिकित्सकीय सहायता के लिए अपील कर रहे हैं। एक्टिविस्ट साकेत गोखले स्वच्छ से सेवा करने वाले लोगों की सुरक्षा भी चाहते हैं जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑक्सीजन की आपूर्ति और दवा की उपलब्धता के बारे में जानकारी एकत्र करके कोविड-19 रोगियों और उनके परिवारों की मदद कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन के लिए
SOS कॉल करने वाले गंभीर रोगियों के परिवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करना राज्य की शक्तियों का दुरुपयोग है और यह गैर कानूनी कार्रवाई सरकार की छवि को बनाए रखने और कोविड-19 महामारी से निपटने में सरकार की नाकामी की आलोचना से बचाने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य में सब कुछ ठीक है, ऐसे गलत तस्वीरें पेश की जा रही हैं। गोखले का कहना है कि हाल ही में यूपी में अमेठी पुलिस ने झूठी सूचना फैलाने के आरोप में IPC के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक लड़के पर मुकदमा दर्ज किया। हालांकि सच्चाई यह है कि आरोपी ने अपने दाता की जान बचाने के लिए ट्विटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग की थी। गोखले ने तर्क दिया कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को गारंटीकृत प्राप्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को छीन लिया गया है। याचिका में कहा गया है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राज्य में किसी भी निजी या सार्वजनिक कोविड-19 अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है और सोशल मीडिया पर इस तरह के गलत अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। चलिए कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पिन के साथ। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप।